Assalamu alaikum students, I hope you will be fine. I am a chemistry teacher from Darayatam school, Madinatul Hujjaj campus. Okay students, in our previous lecture, we discussed about molecular ions and free radical. Today we discuss Avogadro's number and more. Okay students, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग कोई फ्रूट्स लेते हैं या और कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है उसके मेजरिंग यूनिट के हिसाब से लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग बनाना लेते हैं या एग्स लेते हैं तो वो दर्जन के हिसाब से लेते हैं. जब आप लोग फॉर एग्जाम्पल शूज काउंट करते हैं तो वो क्या होता है हमेशा पेयर के हिसाब से होता है. आप केमिस्ट्री ने क्या किया था, साइंस टीचर ने भी क्या किया था, एटम्स मॉलिक्यूल एंड आइंस, ठीक है, इन पर्टिकल्स को काउंट करने के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल यूनिट डिस्क्राइब किया था जिसको क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, ठीक है. साइंटिस्ट ने क्या किया था, पर्टिकल्स को काउंट करने के लिए एक मेजरिंग यूनिट डिस्क्राइब किया था, उस यूनिट को हम बोलते हैं मोल, दैट इज यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अच्छा अब हम आते हैं मोल के डेफिनेशन की तरफ के मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल. मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स. मींस के मोल क्या होता है, इट इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मींस के ये सब्सटेंस की एक अमाउंट होती है जिसमें 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस सब्सटेंस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं मोल. अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ गया है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है. इसको एवोगाड्रो नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट था जिसका नाम क्या था, एवोगाड्रो था, जिसने इस नंबर को डिस्क्राइब किया था, जिसकी वजह से इसके नेम के साथ, इसके नेम के साथ इसको रिलेट करके इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है. अच्छा स्टूडेंट, इस एवोगाड्रो नंबर को हम क्या करते हैं, एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. जहां पर भी आप लोगों के पास आएगा एन ए तो हमारे पास होता है एवोगाड्रो नंबर. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एन ए जो सोडियम वाला है इसमें और एवोगाड्रो नंबर में कंफ्यूज होते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दोनों क्या है, कैपिटल लेटर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, वन मोल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है वन एटॉमिक मास के, ठीक है. वन मोल हमेशा इक्वल होता है वन एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम या एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं मोलर मास ऑफ दैट एटम या मॉलिक्यूल. मींस के एक मोल जो होता है इसको हमेशा हम इक्वल करते हैं वन एटॉमिक मास. फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास, 12 है, ठीक है. अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है, वन कार्बन प्रेजेंट है, तो वन एटॉमिक मास को वन के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा, 12 ग्राम, ठीक है. इस 12 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम. अब इसके साथ हम मोल को या एवोगाड्रो नंबर को किस तरह से रिलेट करेंगे, हमने कहा वन मोल ऑफ कार्बन हमारे पास 12 ग्राम है. अब ये 12 ग्राम हमारे पास क्या होता है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 एटम्स के इक्वल होता है, ठीक है. अच्छा फॉर एग्जांपल नेक्स्ट में देखें हमारे पास मॉलिक्यूल
मैस को जिस तरह हमने फॉर्मूला मैस एंड मॉलिक्यूलर मैस फाइंड किया था मेथड,